दोस्तों ये एनसीआर का एटीएम है और एनसीआर के एटीएम में कई बार डिस्पेंसर फॉल्टी आता है, उस कंडीशन पे आपको क्या करना है इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। देखो पहले 4 और 10 दबा के चेक कर लो कि डिस्पेंसर फॉल्टी हो रहा है या कि नहीं हो रहा है। जैसे कैश टेस्ट करते हैं आप, वैसे करो, देखो ये आ रहा है डिस्पेंसर फॉल्टी। इस एरर को कैसे हटाए, इसके लिए सबसे पहले आप 7 नंबर वाला जो ये है इसमें आइए, उसके बाद थोड़ा सा वेट करिए और इसमें ये जो 5 नंबर वाला है इसको आप क्लिक करिए। ये देखो ये कुछ एरर है, कई बार ये 3 या 4 भी हो सकता है। इसको हटाने के लिए साइड में जो ऑल क्लियर है उसको क्लिक करिए और ये कुछ रनिंग आएगा, थोड़ी देर मशीन चलने के बाद ये फास्ट हो जाएगा। उसके बाद सारे चीज़ को एग्जिट करके अपने मेन पोजीशन पे फिर से आ जाइए, ये 4 और 10 से फिर से कैश टेस्ट करिए और इस बार देखिए कैश टेस्ट होने लगा है और ये डिस्पेंसर गुड आ गया। अगर डिस्पेंसर गुड आने की कंडीशन में ये ठीक हो गया है, वीडियो अच्छी लगी लाइक शेयर और